डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे उत्पाद जीवन चक्र के बारे में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र की क्या क्या अवस्थाएं हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और विभिन्न अवस्थाओं में जो उत्पादक है उसके द्वारा अपने उत्पाद के ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, इन सब का हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। उत्पाद जीवन चक्र क्या है? उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद की आरंभिक अवस्था से और उसकी अंतिम अवस्था तक का सफर ही उत्पाद जीवन चक्र कहलाता है। अर्थात उत्पाद के बनने से और उसकी समाप्ति तक का जो समय है उसे उत्पाद जीवन चक्र कहते हैं। उत्पाद के निर्माण में या उसके जीवन चक्र में उत्पाद विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसको उसके विभिन्न चरण कहे जाते हैं। यानी उत्पाद किन किन चरणों से गुजरता है? पहला है आरंभिक अवस्था, इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर वृद्धि अवस्था, ग्रोथ स्टेज, फिर परिपक्व अवस्था, मैच्योरिटी स्टेज, और लास्ट है संतृप्ति अवस्था या गिरावट अवस्था, जिसको कहते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। तो उत्पाद इन चरणों से गुजरता है। आरंभिक अवस्था में जब उत्पाद का निर्माण होता है, चूँकि उस टाइम उत्पाद है वो ज़्यादा प्रचलित नहीं होता, जो भी उत्पादन करता है, मैन्युफैक्चरर है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि किस तरह से उपभोक्ताओं के दिमाग में या किस तरह से उस उत्पाद को बाज़ार में उतारा जाए जिससे अधिक से अधिक उसकी बिक्री हो सके। इसके लिए वो विभिन्न उपाय अपनाता है। आरंभिक अवस्था में उत्पाद की बिक्री बहुत कम होती है, बहुत कम लोगों को उत्पाद के बारे में ज्ञान होता है, इसलिए कोई भी उत्पादन करता है उसका टारगेट ये रहता है कि उत्पाद की आरंभिक अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा उस उत्पाद का प्रचार प्रसार करे, उसके वितरण के लिए उपयुक्त जो समुचित व्यवस्था है उसको अपनाए, ताकि उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हालांकि इस अवस्था में उत्पाद में जो लागत है वो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि एक तो उसकी बिक्री कम होती है, साथ ही साथ जो स्थायी लागत है वो ज़्यादा होती है, उत्पाद की जो उत्पाद का जो उत्पादन है वो भी कम इकाइयों में होता है, इसलिए आरंभिक अवस्था में उत्पाद में उत्पादनकर्ता को ज़्यादातर नुकसान होता है। लेकिन उसको बाज़ार में अपने आप को बनाए रखने के लिए, उस उत्पाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए, उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के उपाय उसके द्वारा अपनाए जाते हैं। दूसरी जो अवस्था है वृद्धि अवस्था, उसमें उत्पाद ज़्यादातर उपभोक्ताओं के दिमाग में पता चल जाता है, उपभोक्ताओं को उस उत्पाद के बारे में पता चल जाता है। उत्पादक है वो अपने उत्पाद में अगर कोई कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करता है, उपभोक्ताओं से फीडबैक लेता है कि किस तरह से उस उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी बनाया जा सके, और इसमें उत्पाद एक कम्पिटिटिव स्टेज में आ जाता है, यानी प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि दूसरे बहुत से उत्पाद होते हैं जिससे उत्पादनकर्ताओं को उससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इस अवस्था में उत्पादक अपने उत्पाद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापनों के माध्यम से या दूसरे कोई जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं वो अपनाकर उत्पाद को की बिक्री बढ़ाने की चेष्टा करता है। तीसरी जो स्टेज है परिपक्व अवस्था, इसमें उत्पाद अपनी चरम सीमा पे होता है, यानी जो उपभोक्ता जिस उत्पाद को जिस रूप में चाहते हैं उत्पादनकर्ता उसी रूप में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो उत्पादनकर्ता के सामने ये रहती है कि किस तरह से उस उत्पाद की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के दिमाग में उस उत्पाद को बनाए रखा जाए। बहुत से ऐसे जो उत्पादों में ऐसी स्टेज आती है कि उत्पाद परिपक्व अवस्था के पश्चात और गिरावट अवस्था में आता है,
लेकिन उत्पादनकर्ता को ये करना होगा, उसके लिए मेंटेन करना होगा अपने उत्पाद को, कि बदलती हुई जो सिचुएशंस परिस्थितियों के अनुसार अपने उत्पाद को किस रूप में उपभोक्ताओं के सामने पेश करें। इसमें उत्पादनकर्ता को लाभ होता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो लागत है उसमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि कई बार उत्पाद को गिरावट अवस्था या संतृप्त अवस्था में पहुंचने से रोकने के लिए उसको कई तरह की रणनीति अपनाई जाती हैं, जैसे उत्पाद में कोई परिवर्तन करना, उसकी कीमतों से संबंधित कोई नीति निर्धारण करना, ये सब उसके अंतर्गत आता है। तो परिपक्व अवस्था उत्पाद की वो अवस्था होती है जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादनकर्ता को लाभ प्राप्त होता है, और उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद को अधिकतम उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए और बाजार में बनाए रखने की चेष्टा करता है। अंतिम अवस्था है गिरावट अवस्था। इस अवस्था में उत्पाद उपभोक्ताओं के दिलो दिमाग से धीरे धीरे उसकी जो गुणवत्ता है या उस उत्पाद के प्रति लगाव है वो कम होने लगता है, उसकी जो विपणन है, मार्केटिंग है, उसमें गिरावट आती है, और साथ ही साथ उपभोक्ताओं द्वारा वह उत्पाद कम पसंद किया जाने लगता है। अब उत्पादनकर्ता के सामने ये चुनौती रहती है कि वो इस गिरावट को किस प्रकार रोके। उसकी कई अल्टरनेट हैं, या तो उपभोक्ताओं के उन दिमाग में किस तरह का उत्पाद उनको चाहिए उसके अनुसार उसको परिवर्तित करें, या फिर ये है था कि उसका उत्पादन बंद कर देना। तो विभिन्न अवस्थाओं में उत्पाद अपनी आरंभिक अवस्था से आरंभ होकर और गिरावट अवस्था तक पहुंचता है। इन कोई भी जो उत्पादन करता है, क्योंकि वो किसी उत्पाद के निर्माण से लेकर और अंतिम अवस्था तक पहुंचने के दौरान उसको विभिन्न तरह के उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है, और इन उतार चढ़ावों से किस तरह से वो अपने आप को मेंटेन कर पाता है ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो उत्पाद जीवन चक्र है, क्योंकि ये जो जीवन चक्र है ये हर प्रोडक्ट में आता है, हर उत्पाद में आता है। उत्पाद एक आरंभिक अवस्था से होता हुआ वृद्धि अवस्था में, परिपक्व अवस्था में और अंतिम गिरावट अवस्था में पहुँचता है, और उसके बाद उत्पाद है वो मार्केट से हटा लिया जाता है। थैंक यू। इससे